Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स कुर्ती टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर अन्नाजी कॉम्प्लेक्स चाहे शाय के बाजू में बालाघाट पुष्पांजलि गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेन्स वियर ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी लेविस मुफ्ती स्पाइकर नॉस्ट्रम मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स जीन्स ट्राउजर्स एंड मोर अनबिलीवेबल क्लॉथ्स फॉर ऑल कैटेगरी मेंस एंड यंगर्स समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर हनुमान चौक बालाघाट लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदलई बेनगंगा घाट में एक दुखद हादसा घटित हो गया है जहां पिंडदान करने आए एक परिवार की 13 वर्षीय बालिका की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम चरेगांव से एक यादव परिवार के सदस्य की मृत्यु पर उसका पिंडदान पूजन करने छिंदलई घाट आया हुआ था। यहाँ पर शोकाकुल परिवार पिंडदान पूजन की तैयारी में जुटा हुआ था, इसी बीच यह हादसा घटित हो गया जहाँ इस परिवार की एक 13 वर्षीय बालिका माही पिता अनूप यादव की नदी के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। यह खबर मिलते ही एक बार फिर पुनः शोकाकुल परिवार दोहरे शोक में डूब गया है। इधर घटना की जानकारी लगने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतिका का शव बरामद किया और मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। देश भर में बुधवार को ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद का पर्व मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण कमजोर होने के चलते मुस्लिम परिवार इसे मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं ईद से चंद दिन पहले बकरों की ऑनलाइन बुकिंग भी होने लगी है। जामा मस्जिद बालाघाट में कुर्बानी के पर्व को लेकर अच्छी खासी रौनक देखने मिली। यहां पर मस्जिद को भी रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष साबिर मुन्ना मंसूरी ने बताया है कि कोविड के चलते इस बार भी ईदगाह में नमाज अदा नहीं होंगी। शहर के सभी मस्जिदों में कोविड गाइडलाइन के अनुसार नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने समाजजनों से जामा मस्जिद में 50 की संख्या में ही नमाज अदा करने के लिए पहुंचने की अपील की है। ये सभी मस्जिदों के इमाम और सदर को बुला करके हमने अंजुमन में एक मीटिंग ली थी, उसमें डिसाइड किया गया है कि इस बार की जो नमाज है वो ईदगाह में ना करके हम लोग जो है सभी मस्जिदों में नमाज़ें अदा करेंगे। और जो सरकार की गाइडलाइन आई है अभी फ़िलहाल में, कल जो गाइडलाइन आई है उसमें 50 लोगों की ही इजाज़त दी गई है, तो लगभग उतने ही लोग हर मस्जिदों में नमाज़ अदा करेंगे। जामा मस्जिद में 8 बजे का रखा है और लगभग सभी मस्जिदों में 8 के आसपास ही टाइम रहेगा। और मैं समाज के सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है लगभग 50 लोगों की, उसमें हमको परमिशन दिया गया है कि मस्जिदों में 50 लोग नमाज़ अदा कर सकते हैं, तो उतने ही लोग मस्जिदों में आएं और बाकी लोग घर पर ही इबादत करें। कोरोना संक्रमण जहां अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, वहीं बालाघाट जिले में पक्षियों के अचानक मरने की खबरें सामने आई है। नगर के मोती तालाब के आसपास ऐसे ही मरे हुए पक्षियों के सैंपल एकत्र कर पैथोलॉजी लैब भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 10 से अधिक पक्षियों की मौतें मोती तालाब के परिसर क्षेत्र में हुई है। पक्षियों की अचानक हो रही मौत से पशु चिकित्सा विभाग भी हरकत में आया है और मृत पक्षियों के पीएम उपरांत बिसरा जांच के लिए जबलपुर भेजा गया। इस संबंध में पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते ने बताया है कि साइबेरियन पक्षियों की यहां पर लगातार मौतें हो रही है। 2 दिन पहले भी पक्षी मृत पाए गए थे। इसके मृत्यु का कारण रियो वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी जाँच के लिए कुछ पक्षियों के नमूने लेकर पैथोलॉजी लैब भिजवाया गया है। उन्होंने कहा है कि पक्षियों की निगरानी बरती जा रही है, रियो वायरस से मौत होने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। ये साइबेरियन बर्ड है, हमेशा लगभग आते जाते यहाँ पर रहते हैं और अब तो काफ़ी सालों से यहाँ पर बालाघाट के मोती गार्डन में रह रहे हैं और यहीं तालाब के आसपास ही रहते हैं, पेड़ों में यहाँ पर रहते हैं। और इसमें क्या है कि क्योंकि 2 दिन पहले भी और मेरे पास ऐसे केस आए थे जिसमें 2 बर्ड्स मारे गए थे, ऐसे मृत पाए गए थे। उनके पोस्टमार्टम से जाँच की गई कि उनके जो दोनों पैर हैं काफ़ी हद तक इन्फ्लेम्ड हैं
उनके पेट में जब उसको देखा तो पेट में लगभग खाना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब लगभग खाली है। तो एक अंदाजा ही लगाया गया कि लगभग एक ऑफ फीड के कारण मरे, मतलब भूख ना लगने के कारण या खाना नहीं खा पा रहे उस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। और दूसरी चीज़ कुछ एक बीमारी से कोरिलेट की है, तो एक लग रहा है कि शायद रियो वायरस इन्फेक्शन एक ऐसा होता है जिसमें पैरों में इन्फ्लेमेशन आता है और पक्षी खाना पीना बंद कर देते, सस्पेक्ट लग रहा है कि शायद वो एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हमने फाइनल डायग्नोसिस के लिए इसको पैथोलॉजिकल लैब जबलपुर उसको भिजवा दिया और बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सर इससे क्या और भी दूसरे पक्षियों को खतरा है इस बीमारी का? क्वाइट पॉसिबल, यदि जैसा देखने को लग रहा है जो मतलब सिम्टम्स से ऐसा लग रहा है कि एक हो सकता है कि दूसरे पक्षियों में भी इन्फेक्शन आए, लेकिन जैसा मेरी यहाँ मोती गार्डन के प्रबंधन से मेरी चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि सर लगभग एक आध हफ्ते से हम देख रहे हैं एक दो पक्षी यहाँ पर मरते जा रहे हैं। और कल भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चर्चा हुई तो मेरे कल भी उन्होंने बताया था, परसों भी दो बर्ड्स का और हमने उसका पोस्टमार्टम किया था। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ हो, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि यदि अच्छे से थोड़ी निगरानी रखी जाए ऐसा कुछ हो जाए तो इनकी बर्ड्स की जो मृत्यु अभी देखने को मिले मृत्यु दर कुछ कमी आ सकती है उसमें। दिव्यांगों के लिए जिले में DDRC का सुविधा युक्त अलग से भवन हो, इसे मुख्य एजेंडे में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में दिव्यांगों को शासकीय कार्यालयों, पंचायत भवन और अन्य स्थानों पर परेशानी न हो, इसे लेकर रैंप का निर्माण कराने की पहल की जा रही है। उक्ताशय के विचार संदीप रजक, आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश ने मंगलवार को बालाघाट प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा में किए। उन्होंने बताया है कि कलेक्टर सभा कक्ष में होने वाली बैठक में सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा होंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जाने की तैयारी है। इससे निशक्तों को सभी प्रकार की सुविधाएं भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जाने की योजना है भारत सरकार की योजना, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां दिव्यांग सभी तरह के दिव्यांगजनों को उनकी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं हैं। उनको समझाने की अगर किसी को मान लो व्हील चेयर की आवश्यकता है, किसी को कैलीपर लगना है, किसी को सेवनयंत्र लगना है या सेवनयंत्र खराब हो गया तो सुधारना है, व्हील चेयर खराब है सुधारना है, ये सारी चीज़ें एक ही छत पर एक स्थान पर होती है, वो है जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। वो बालाघाट जिले में संचालित हो रहा है। अभी वो जो DEIC की जो यहाँ की जो भवन बन गया है नवनिर्मित भवन, उसमें नीचे के फ्लोर में मैं अभी जाके देख के आया हूँ आज, तो वहाँ संचालित हो रहा है। और बहुत जल्द यहाँ पर स्वयं का DDRC का एक अलग अतिरिक्त भवन बने, उसमें जो है दिव्यांगजन आके लाभ ले सकें, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए आज बैठक में मुख्य एजेंडे में शामिल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो जाएगा तो बालाघाट जिले के अंतिम छोर तक के दिव्यांगजन को हम लोग लाभ दे पाएंगे।